आज मैं आपको बिना एक रुपया खर्चा किए, ना ही सुनार के पास जाने के झंझट, बहुत ही आसान तरीके से आप पायल, यानी कि जो पायल है, पैजेब है, जो भी आपके पास है, साफ कर सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे 3 जोड़ी पायल ली हूँ, जो कि बहुत ही काला हो गया है और इसे पहनने के तो दूर, देखने का भी मन नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं कितना गंदा पायल है और साथ में कुछ बिछुए भी हैं। तो ये पायल बिछुआ तो हर लेडीज़ का पहनना पसंद है, और जब ये गंदा हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपका पायल बिछुआ बिल्कुल गंदा नहीं होगा, आप जब मर्जी इसे साफ करके और नया जैसा पहन सकते हैं। कोई भी पार्टी फंक्शन हो तो भी आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं चांदी के जेवर पे। तो आज जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ये चांदी के जेवर के लिए है। आने वाला वीडियो में मैं सोने के जेवर के लिए भी ट्रिक बताऊंगी। तो ये देखिए कितना काला पायल है हमारा, आपको नज़र आ रहा होगा। इसका सारा के सारा कुंडे, घुंघरू, जितनी भी घुंघरू है सब काले पड़े हैं। तो जब हम पायल नहीं पहनते हैं, रख देते हैं, तो ये ऐसा नौबत आ जाता है कि वो काला पड़ जाता है। और हम जैसे सिटी में रहते हैं, वहाँ का जो पानी होता है वो हमारे जेवर के लिए कुछ पानी खारे होते हैं, तो इसके वजह से भी काला पड़ जाता है। तो जितने भी आपके पास चांदी के आभूषण हो, जैसे कि छोटा हो गया भगवान के लिए प्लेट, या सिंदूरदानी, या कुछ भी जो भी आपके पास जेवर हो, तो आपके घर में ही मिल जाएगा शैम्पू और नमक। हर किसी के घर में होता है शैम्पू और नमक। अगर शैम्पू ना हो तो आप यहाँ पे सरफ का यूज कर सकते हैं, जो हम सरफ कपड़ा धोने का यूज करते हैं ना, वो वाला सरफ आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 रुपया का ये किनी प्लस डाल रही हूँ एक बाउल में। एक चम्मच नमक डालूंगी इसी शैम्पू में। आप सोच रहे होंगे शैम्पू से बिल्कुल साफ हो जाएगा, आप देखते रहिए, मिनटों में आपका जेवर जो है चांदी का बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इसे हम मिक्स कर देंगे। यहीं पे डालेंगे 1 कप पानी, जितना भी हमारा चांदी का जेवर है हम डाल लेंगे पानी में। बस हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा जेवर है वो पानी के नीचे ही रहिए, मतलब कि ये खुले में ना रहे। इसमें थोड़ा और पानी डाल लेती हूँ क्योंकि हमें अच्छा से इसे, तो जेवर को हम रख दिए हैं गैस पे और इसे हम 5 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे इस तरीके से, और आप कुछ ही मिनटों में देखिएगा कि आपका जेवर जो है चांदी का पायल, पायजेब, जो भी आपके पास है, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। सारा मैल पानी में आ जाएगा और आपका पायल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कंटिन्यू। हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए हम उबलने के लिए छोड़ देंगे, और देख सकते हैं इसमें से काला काला पानी निकलना शुरू हो गया है। एक दो मिनट में इसे इस तरीके से चला दें, तो देख सकते हैं कितना सारा झाग आ रहा, और झाग के ऊपर ये जो पायल का गंदगी है वो काला काला आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए हमारा पायल अभी से ही बिल्कुल क्लीन होने लगा है। तो अब हम इसे गैस बंद करके ठंडा करेंगे पहले। तो आपको गंदगी नज़र आ रहा होगा, देखिए कितना गंदगी इसमें से निकला है। ये देखिए झाग के ऊपर आपको तैरता हुआ दिख रहा होगा। और यहीं पे हम गैस को बंद कर लेते हैं और जितना भी हमारा पायल है सभी को ठंडा कर लेंगे, उसके बाद साफ करेंगे। ये बहुत, तो ये बहुत गर्म है पायल हमारा, इसे गर्म में ना छुए। ऐसे ही पायल आपका ठंडा हो जाए तो इस तरीके से आप निकाल लें। और देखिए कितना अच्छा सा क्लीन हो गया है। इसके ऊपर कोई भी टूथ, कोई भी हमें ब्रश लेना है, जो पुराना ब्रश हो, थोड़ा सा हम जो पानी हम बॉयल किए थे उसमें से लगा के और इसे क्लीन करेंगे इस तरीके से। ये देखिए कोई भी ब्रश लेंगे
और इसे हम साफ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना इसमें से मैल निकल रहा है। थोड़ा सा इस पानी में से हम लगाते रहेंगे, ये जो पानी है। घुंघरू के पास भी, ये जो घुंघरू है उसके पास भी इस तरीके से साफ करेंगे, कुंडे के पास भी। कितना मैल निकल रहा है, इसी तरीके से हम इसे उल्टा करके भी साफ करेंगे और उसके बाद हम इसे क्लीन कर लेंगे। तो जितना भी हमारा पैजेब है हमें सब पे ब्रश मारना है। ये डेली यूज वाला पायल है, अगर आप पाइजेब साफ कर रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। डेली यूज वाला जो पायल होता है वो पहनते पहनते काला होने लगता है बहुत जल्द। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन हो गया, इसे धोना है। तो सारा को हम पहले ब्रश मार लेते हैं, उसके बाद आपको धो के दिखाएंगे। इसी तरीके से हम जितने भी पायल हैं, बिछुए हैं, सभी को साफ करके उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सारे पायल को हम रगड़ लिए हैं और इसे हम पानी में अब धोएंगे। तो मैं इसका गंदगी दिखाना चाहूँगी आपको कि देखिए जिस जहाँ पे हम रगड़े हैं, ब्रश मारे हैं, वहाँ पे कितना गंदगी है। और इस पानी में देखिए, इस पानी में आपको नज़र आ रहा होगा नीचे भी बैठा हुआ है, ये देखिए इसका सारा मैल है जो कि हम साफ़ नहीं करते हैं काफ़ी दिनों तक, तो ऐसा हो जाता है। तो अब इसे मैं धो लेती हूँ। तो देखिए पायल अच्छा से क्लीन हो चुका है, मैं इसे एक से दो बार धोऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी इतना बढ़िया साफ कैसे हो गया है, तो मैं उसका एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए जिसमें हम इसे उबाले थे तो इसमें पानी जो था कितना गंदा हो गया है और नीचे देखिए कितना मैल जम जाता है। ये देखिए, देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये सारा पायल का मैल है, देख सकते हैं। तो काफ़ी दिनों तक हम जब पहनते हैं पायल तो धूल मिट्टी लग लग के ऐसा हो जाता है। तो आप भी साफ कर सकते हैं एक महीना में एक बार पायल अपना, या हमारा जैसा 6 महीने में कीजिएगा तो ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो मैं 6 महीने के बाद कर रही हूँ पायल को साफ और आप उसका नतीजा देख सकते हैं। तो मैं इसे धो लेती हूँ, उसके बाद आपको फाइनली दिखा देती हूँ। तो ये देखिए धोने के बाद हम इसे कपड़े से साफ कर लेते हैं। तो जितने भी बिछुए हैं देखिए कितना बढ़िया जगमगा उठे हैं, बहुत ही अच्छा चमक आ गया है इसमें। जितने भी बिछुए मैं ली थी सारे के सारे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा क्लीन हुआ है। देखिए बहुत अच्छा क्लीन हो गया है हमारे बिछुए और अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये देखिए लग रहे हैं ना अच्छे। जो हमारे पायल थे वो भी देखिए कितना बढ़िया क्लीन हो गया। इसे आप सूखने दें किसी कॉटन कपड़ा पर रख के, उसके बाद इसे आप पहनना चाहें तो पहने या कहीं रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वाकई में ये साफ़ हुआ है कि नहीं, आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। इस ट्रिक से बिना पैसा खर्चा किए आप साफ कर सकते हैं अपने घर के चांदी के जितने भी जेवर हैं इस तरीके से। कितना काम का ये ट्रिक्स है आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जांपल है। आप पहचान ही नहीं सकते कि वही गंदा वाला पायल है या नया पायल है, आपको बिल्कुल नया जैसा फीलिंग आएगा। आप देख सकते हैं कितना काम का ये ट्रिक्स है, आप भी अपनाएं। और आपको कैसा लगा ये ट्रिक्स बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और भी मैं बहुत से जानकारी लेके आऊँगी जो कि हमारा रोज़मर्रा घर के काम में काम आता है। अगर आपको हमारा ये पायल साफ़ करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है दोस्तों उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। उससे ये होगा कि जितना भी हमारे वीडियोस अपलोड होंगे आपके अपने फ़ोन पे पहुंचेंगे बिल्कुल फ्री। अगर यही वीडियो आप अगर हमें अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें और जल्दी से हमें फॉलो कर लें फेसबुक पे, क्योंकि ऐसा ही नया नया हम ट्रिक रोज़ाना लेके आते रहते हैं।
फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पायल को आपको इस तरीके से आधा घंटा के लिए पंखे के नीचे कॉटन कपड़ा पे बिछा के छोड़ देना है। जब ये सूख जाए उसके बाद ही आप कहीं भी इसे रखें, और जब भी रखें जो सुनार के यहाँ मिलता है ना रेड वाला कागज, उस कागज में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, काला नहीं पड़ता है जल्दी। तो आप भी ये ट्रिक को अपनाएं।